सैमसंग का M52 5G आ चुका है, जो कि अभी तक का मीनेस्ट मॉन्स्टर बताया जा रहा है। तो यार ये मीनेस्ट मॉन्स्टर है भी या नहीं और इसे मीनेस्ट मॉन्स्टर क्यों कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इसके डिजाइन की, गैलेक्सी M52 5G सैमसंग का स्लिमेस्ट 5G फोन है। तो यार एज अ यूजर हम कैसा फोन चाहते हैं? एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें बड़ी सी स्क्रीन हो, अच्छी बैटरी हो, बट साथ ही साथ वो पकड़ने में भी कंफर्टेबल हो। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन 6.5 इंच या 6.7 इंच की डिस्प्ले के साथ आते हैं और साथ ही उसमें बड़ी बैटरी तो होती है, बट उसकी वजह से वो काफी भारी और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं पकड़ने में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सैमसंग ने ये काफी ही अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। इस फोन में हमें 6.7 इंच की स्क्रीन और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसके बावजूद ये फोन काफी स्लिम है और काफी कम्फर्टेबल है होल्ड करने में। कुछ टाइम पहले सैमसंग ने A52s 5G लॉन्च किया था, उस फोन में भी इस फोन के मुकाबले काफी ही सेम फीचर्स थे, बट एक तो फीचर्स थोड़े डिफरेंट है और थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है। तो A52s में हमें डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, बट इस फोन में हमें पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसके साथ इसका स्पीकर भी डिसेंट सी क्वालिटी का है, स्टीरियो स्पीकर भी हो सकता था, बट सैमसंग ने शायद कॉस्ट कटिंग की वजह से नहीं दिया। साथ ही साथ इसमें हमें हेडफोन के लिए 3.5 mm जैक भी नहीं दिखता है। ये फोन फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में हमें सिर्फ 15W का चार्जर मिलता है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस करनी है तो आपको 25W का चार्जर मार्केट से लेना पड़ेगा। अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसके फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और इसका जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है, जिसे कि सैमसंग ग्लास्टिक कहता है, प्लास्टिक प्लस ग्लास। ये ग्लास जैसा फील होता है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसे देखेगा तो वो ग्लास से कंफ्यूज कर सकता है। अब आते हैं इसकी डिस्प्ले पे। इस फोन में फुल एचडी प्लस एसएमओएलईडी डिस्प्ले जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। सैमसंग ने यार डिस्प्ले में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि यार इस प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छी डिस्प्ले तो क्या ही होगी। अब आता है हमारा प्रोसेसर। अगर BGMI खेलना है तो यार प्रोसेसर तो अच्छा होना चाहिए ना। भले ही इसमें स्नैपड्रैगन 870 या स्नैपड्रैगन 888 नहीं आता, इसमें स्नैपड्रैगन 778G आता है। ये प्रोसेसर भी काफी तगड़ा है और काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें आप बड़ी ही आसानी से हैवी एप्स और हाई ग्राफिक्स वाले गेम जैसे कि BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बहुत ही आराम से बिना किसी दिक्कत के खेल सकते हैं। हाँ, मुझे इसमें थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यू लगा, बट वो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इसके साथ इसमें One UI देखने को मिलता है और सैमसंग का फ्लैगशिप फीचर नॉक्स सिक्योरिटी भी आता है। अब आते हैं इसके मेन हाईलाइट पे, जो है 5G। इस फोन में 5G के टोटल 11 बैंड अवेलेबल है, जो अभी तक किसी और कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करे हैं। सभी कंपनियां 2 या 3 बैंड ही प्रोवाइड कर रही हैं। तो यार 5G के मामले में तो ये अभी तक का बेस्ट फोन है। इसके साथ इसमें Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.0 भी है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो कैमरा और 32 MP का फ्रंट कैमरा आता है। तो यार जिन लोगों को डिटेलिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास तो फोटो अच्छे आने चाहिए बढ़िया, तो उनके लिए तो ये काफी बढ़िया कैमरा है अगर आपको रील्स वगैरह बनानी है। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 4K वीडियो 30fps में रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे पहली बार है, अभी तक और किसी स्मार्टफोन में अवेलेबल नहीं है। रियर कैमरा से भी आप 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यार कैमरा वाइज तो ये फोन काफी अच्छा है और ये जितने भी राइवल्स हैं उनको बीट करने की अच्छी खासी पोटेंशियल रखता है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका 6GB 128GB वाला वेरियंट 25,999 रुपए में मिल रहा है और 8GB 128GB वाला वेरियंट 27,999 रुपए में मिल रहा है। तो यार प्राइस वेरी कर सकती है। अगर बात करें ओवरऑल तो ये स्मार्टफोन एक काफी अच्छा पैकेज है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यार आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।